नमस्कार दोस्तों, एमके इलेक्ट्रिकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम नया सेट बॉक्स लेके आते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें सारे चैनल नहीं मिलते हैं। जो जो इस पर फ्री वाले सेट बॉक्स पर चैनल आते हैं वो सारे चैनल हमें मिलते नहीं हैं। और दोस्तों, जो इसमें होते हैं कभी कभी वो चलते नहीं हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा एक से लेके आगे तक कितने चैनल इसमें चल रहे हैं और कितने नहीं चल रहे हैं। तो दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुकानदार के पास वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, मैं अब डिश वाली छतरी लगाऊंगा, उससे पहले आपको दिखा दूं चैनल और सिग्नल। ये देखो, सिग्नल क्वांटिटी 0 है, आप देख सकते हैं। देखो, मैंने लीड लगाई ऊपर छतरी वाली, आप देखना। देखो देखो आप देख सकते हैं दोस्तों, 60 60 नंबर चैनल ही नहीं आ रहा है, 80 भी नहीं आ रहा है, 102 भी नहीं आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें चैनल नहीं मिलते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। वापस दुकानदार के पास जाते हैं, उससे कहते हैं भाई आपका सेट बॉक्स ख़राब है, हमें दूसरा सेट बॉक्स दो। तो दोस्तों, आपको दुकानदार के पास नहीं जाना है, घर पर ही बैठ के आपको ये काम अपने आप ही करना है। ये देखो, मैं 200 के आसपास लेके जा रहा हूँ, 200 के 202 पर भी नहीं चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि मेनू वाले बटन से, ये देखो मेनू वाला बटन दबाना है सबसे पहले, आप देख सकते हैं। ये मेनू वाला बटन दबाने के बाद में आप ये देखो, नीचे से तीसरे नंबर पर सिस्टम सेटअप है, आप देख सकते हैं। गेम से ऊपर सिस्टम सेटअप, सिस्टम सेटअप पे ओके करेंगे लाके। देखो, मैंने सिस्टम सेटअप पे लाके ओके किया, उसके बाद तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो लिख के आ रही है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे लाके हम ओके करेंगे इसको। डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे करेंगे तो हमारी जो है कलर, यानी कि सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा हमारा सेट। ये देखो, कलर भी इसके बढ़िया हो गए हैं दोस्तों, हमारा सेट फॉर्मेट हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मीनू वाले से बैक जाएंगे। देखो, मैं कलर दिखा रहा हूँ आपको। मीनू वाले से बैक जाने के बाद में हम क्या करेंगे, एडिट प्रोग्राम में जाएंगे। ये देखो, एडिट प्रोग्राम के बाद हम डिलीट ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, अपने सारे प्रोग्राम डिलीट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद में हम देखो मेनू से पीछे को जाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम सेटअप में जाएंगे, उसके बाद यहाँ ऑटो स्कैन में जाएंगे। ऑटो स्कैन में आएंगे हम, तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो 5150, कोई बात नहीं, ये फ्री जो लिख रही है ऊपर से दूसरे नंबर, इसको ऑल कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हम अपने सेट ऑफ बॉक्स को घर बैठे ठीक कर सकते हैं। आपके सामने रिजल्ट आने वाला है थोड़ी बहुत देर में, आप देखते रहना, और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आ रही तो मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं आपके सवाल का उचित उत्तर दूंगा, आपको अच्छी तरीके से और समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप अपना सेटअप बॉक्स ठीक कर सकते हैं, दुकानदार के पास वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आपका समय बचेगा और आप वो जानकारी भी बढ़ेगी दोस्तों। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, आप देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो देखो, हमारा सेट बॉक्स ठीक हो गया दोस्तों, पीछे से देखो चल रहा है और आगे से भी चलेगा दोस्तों। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।